दोस्तों, क्या मैं ही हूँ या फिर आपको भी लगता है कि UFC 306 से ज्यादा बेहतर था UFC फाइट नाइट पेरिस का इवेंट? मुझे तो पूरा लगता है कि UFC फाइट नाइट पेरिस का इवेंट मच बेटर था UFC 306 से। लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में, वो जरूर हमें बताइएगा। और UFC फाइट नाइट पेरिस का ही बात चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से रिनाटो मोइकानो ने हराया था बेनोइट सैन डेनिस को, उसके बाद रिनाटो मोइकानो ने कॉल आउट किया था तो इसका रिस्पांस में पैडी पिमलेट ने भी कहा है अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए से कि तुम्हारा चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ रिनाटो मोइकानो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे से फाइट करो तो चलो हम फाइट करते हैं। तो ये दोनों ही फाइटर तो रेडी है एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन अभी देखना है कि UFC वाले ये फाइट बनाएगा कि नहीं। मेरे हिसाब से तो ये फाइट UFC वाले बनाएगा ही बनाएगा इन फ्यूचर में। लेकिन अगर ये फाइट बना तो आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पैडी पिमलेट रिनाटो मोइकानो को हरा पाएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं रिनाटो मोइकानो हरा देगा पैडी पिमलेट को? इसलिए कि जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिया था पैडी पिमलेट ने अगेंस्ट किंग बॉबी ग्रीन के खिलाफ, उसके बाद पैडी पिमलेट को भी हर कोई फाइटर उसको जेन्युइन फाइटर के रूप में देखने लगा है। और जिस तरह से कल रिनाटो मोइकानो ने भी अपना परफॉर्मेंस दिया है बेनोइट सैन डेनिस के खिलाफ, उसके बाद रिनाटो मोइकानो को भी एक टॉप कंटेंडर के रूप में देख रहा है सभी। तो इन दोनों के बीच में तो घमासान फाइट हो सकता है इन फ्यूचर में। लेकिन आप किसको चूज कर रहे हैं, रिनाटो मोइकानो या फिर पैडी पिमलेट, वो जरूर हमें बताइएगा। तो अगला अपडेट निकल के आ रहा है हबीब नोर्मागोमेदोव के तरफ से। हबीब नोर्मागोमेदोव ने ब्रेकिंग न्यूज दिया है कि UFC वाले प्लानिंग कर रहा है कि 2025 का जो पहला पेपरव्यू होने वाला है UFC 311, तो उसमें मेन इवेंट करने वाला है इस्लाम माकाचेव को ऑफर किया है UFC वाले UFC 311 के लिए। तो ये कहना था हबीब नोर्मागोमेदोव के तरफ से। हबीब नोर्मागोमेदोव ने कहा है कि UFC वाले चाहते हैं कि इस्लाम माकाचेव फाइट करे UFC 311 में और अपना लाइटवेट चैंपियनशिप का बेल्ट को डिफेंड करे। लेकिन हबीब ने ये रिवील नहीं किया है कि कौन होगा ओपोनेंट। तो मेरे हिसाब से तो अरमान सारुकियन ही होगा उसका नेक्स्ट ओपोनेंट, किसलिए कि डेना व्हाइट ने भी कहा है कि अरमान सारुकियन ही नेक्स्ट होगा। और होगा भी तो आपको क्या लगता है कि अरमान सारुकियन को इस्लाम माकाचेव हरा पाएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं अरमान सारुकियन बनेगा न्यू लाइटवेट चैंपियन? तो आप किसके साथ में हैं इस फाइट में, और आपको ये न्यूज जान के कैसा लगा वो जरूर हमें बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।